फ्री बॉडी डायग्राम सिखाना है किसका, मैन इन ए लिफ्ट का, और वेइंग मशीन पे खड़ा है, सही है। तो ये मान लो तुम्हारा लिफ्ट हो गया, ठीक, और ये उसके ऊपर रखा हुआ वेइंग मशीन हो गया, सही है। अगर क्वेश्चन को करना है तो आपको पहले वेइंग मशीन का जो वर्किंग का तरीका है वो समझना होगा। वेइंग मशीन का वर्किंग का तरीका क्या होता है, या इवन स्प्रिंग बैलेंस का क्या होता है, या किसी भी बैलेंस का वर्किंग का तरीका क्या होता है, ये समझिए। देखिए ये जो वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस होते हैं ये एक्चुअली रिकॉर्ड करते हैं फोर्स, लेकिन जो रीडिंग ये देते हैं मास का टर्म्स में देते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे आप मान लीजिए रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन लिखना चाहते हैं, सही है। अब वेइंग मशीन के क्या होता है, ऊपर वेइंग मशीन के ऊपर जो है आप खड़े हो जाते हैं, तो ये जैसे मान लीजिए कोई बंदा है ये खड़ा होगा, इसका मास मान लो m है, ठीक, ये वेइंग मशीन, ठीक है। तो इस आदमी की FBD बनाइए, इस आदमी की FBD में क्या क्या दिखेगा आपको, इस आदमी की FBD में आपको दिखेगा खुद आदमी और इस पर लगने वाला फोर्सेस, इस पर लगने वाले फोर्सेस में आ जाएगा पहले 1 MG, ठीक, और दूसरा आ जाएगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो इसको वेइंग मशीन से मिलेगा, ठीक है। पहले मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए ध्यान से। अब ये फोर्स कितना है बताइए, mg के बराबर है, सही है, और इसको जो सरफेस से फोर्स मिलेगा वो मिलेगा n, आया ना, क्लियर। तो वेइंग मशीन की रीडिंग जो होगी एक्चुअली वो रीड करेगा n को, किसको रीड करेगा, n को, किसको रीड करेगा, लेकिन वो उसको g से डिवाइड करेगा, उसमें कैलिब्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए जो फोर्स रिकॉर्डेड है वो मान लीजिए 200 न्यूटन हो रहा है, ठीक है, तो 200 चढ़ने के ऊपर जो उसका स्प्रिंग कॉइल रोटेट करेगा, उसका जो कांटा घूमेगा जहां आके रुकेगा, वहां पे हम 200 नहीं लिख के हम 20 लिखेंगे स्केल पे। तो इनडायरेक्टली वो क्या बता रहा है, मास बता रहा है ना, मतलब जी से डिवाइड करके उसका रीडिंग कैलिब्रेट किया जाता है। तो ये अब एक्चुअल मास है कि नहीं दैट आई डोंट नो, लेकिन ये देता जो है वो मास रीडिंग देता है, कौन सा रीडिंग देता है, मास रीडिंग, ठीक है। रिकॉर्ड करता है फोर्स लेकिन देता कौन सा रीडिंग है, मास रीडिंग, इसको हम m डैश से दिखला रहे हैं, किससे दिखला रहे हैं, m डैश से। अब नॉर्मल क्या आ रहा है इस पर डिपेंड करता है कि आपका वजन वो बतलाता कितना। अब यहाँ देखिए तीन बातें हो सकती हैं, ठीक है, कितनी बातें हो सकती हैं, तीन। पहली बात ये हो सकती है कि उस आदमी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये पहली सीनरी हो सकती है, हाँ या ना। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो m की वैल्यू किसके बराबर हो गई बताइए, एक्चुअल मास की mg के बराबर हो गई, n की वैल्यू mg के बराबर हुई, तभी तो नेट एक्सेलरेशन जीरो हुआ ना आदमी का, लिफ्ट तो एक्सेलरेट कर नहीं रहा, इसका मतलब आदमी भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो इस केस में जो उसका मास रीडिंग होगा वो किसके बराबर होगा बताइए, एक्चुअल मास के बराबर होगा, सही है। दूसरा, एक्सेलरेशन अपवर्ड हो, ए एक्सेलरेशन हो, ठीक है। पहले हम इस डायग्राम को कंप्लीट कर ले जरा। अब ये लिफ्ट आइदर वे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है। देखो ऊपर जाना नीचे जाना इज नॉट एक्सेलरेट करना, मैं सिखाऊंगा इसको भी, पहले अपनी इक्वेशन हम लोग समझ लें। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन कैसे लिखने बताया है बताइए, आपको बोला एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स किधर होगा बताइए, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अरे बोलिए कितना होगा बताइए, एम, अपवर्ड एक्सेलरेशन ना, अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स मतलब कितना, mg इक्वल टू कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन, बोले सही है। तो इससे आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी बताइए, m इनटू g प्लस a, यानी mg से बड़ी मिलेगी, सही है, मिलेगी। तो आपका मास रीडिंग कितना मिलेगा, मास रीडिंग को हमने m डैश माना है, तो कितना मिल जाएगा बताओ, m इनटू g प्लस a को g से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 1 प्लस a बाई g आ जाएगा, और ये मास से ज़्यादा मिलेगा एक्चुअल मास, सही है। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है बताइए, कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स हो, तो इस बार एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स कौन हो गया बताइए, mg हो गया, उसमें से किसको माइनस करेंगे, n को माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, बोलिए, नेट मास, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमेशा राइट हैंड साइड में नेट फोर्स लिखते हैं, और नेट फोर्स को कितना लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताइए इससे आपका n का वैल्यू कितना है, इस बार n का वैल्यू है m इनटू g माइनस a, बोलिए हाँ या ना, और इस बार आपका जो मास रीडिंग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताइए, m इनटू 1 माइनस a बाई जी, ये इस बार मास से कम आएगा। अब कभी कभी आपको फंसाएगा क्वेश्चन में, फंसाएगा कैसे, जैसे कि वो लिख देगा लिफ्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड ऊपर या नीचे, ठीक है, लिफ्ट यस असेंड्स और डिसेंड्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताइए, जीरो हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप फिर फर्स्ट केस लेके बनाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिख देगा लिफ्ट असेंड्स विथ रिटार्डेशन ए, असेंड कर रहा है लेकिन रिटार्ड कर रहा है, असेंड करने का मतलब ऊपर जाना और रिटार्ड का मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट होना, तो इसमें एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो किधर हो जाएगा बताइए, डाउनवर्ड हो जाएगा, माइनस ए मत याद कीजिए, फिर यही गलत तरीका है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव ले रहे हैं, उधर के फोर्स में से अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स माइनस करते हैं, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव जिधर भी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो इसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का केस हो जाएगा, सो दैट विल बिलोंग टू द केस 3, क्लियर। और कुछ क्वेश्चन में लिखेगा लिफ्ट डिसेंड्स विथ रिटार्डेशन ए, तो उस केस में ए की डायरेक्शन किधर होगी बताइए, अगर डिसेंड कर रहा है रिटार्ड कर रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा, सो दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू केस 2, समझ में आ रही है बात। इस तरह से आप इक्वेशन लिखते हैं, तो आप किसी केस में उसका ये निकाल सकते हैं। आप अच्छे से सेंटेंस को सुनिएगा, यही सेम टू सेम कहानी होती है स्प्रिंग बैलेंस के केस में। आइए थोड़ा स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लिंक्ड प्रॉब्लम है बिल्कुल। ये देखिए, समझ में आ गया, तो जिस तरह से यहां पे नॉर्मल रिएक्शन रीड करके मास रीडिंग आती है, उसी तरह यहां पे स्प्रिंग मास सिस्टम में टेंशन रीड करके मास रीडिंग आती है, ठीक। अब टेंशन आपके वेट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप एक्सेलरेशन कहां कर रहे हैं। इन दोनों सिचुएशंस में कोई अंतर नहीं, बस एक ही अंतर है, पिछले केस में अपवर्ड फोर्स एन था, इस केस में अपवर्ड फोर्स कौन है बताइए, टी है, बाकी सारे के सारे इक्वेशन जो है वो सेम है, ठीक है। और प्रॉब्लम की लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा और एक्सेलरेशन डिसाइड ठीक से करिएगा कि ऊपर है कि नीचे है कि कितना, समझ में आ गई बात।